दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। यह देख देवदूतों ने भगवान से पूछा, हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया, क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? ये मेरी ओ रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और बच्चों को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे, क्या यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सुनकर के देवदूत ने पास जाकर भगवान की बने रचना को जब हाथ लगाया और कहा कि प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। तब भगवान ने हंस कर कहा, ये बाहर से नाजुक जरूर है पर अंदर से इतनी ही मजबूत है, अर्थात ये कोमल तो है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए और देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस स्त्री में सोचने की क्षमता होगी ना? प्रभु ने कहा, यह न केवल सोच सकेगी बल्कि इसमें हर समस्या को समझने की क्षमता होगी। दरअसल जब देवदूत ने पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, इसके गालों पर पानी कैसा क्या है? तो भगवान ने कहा, ये इसके आंसू हैं। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गया और पूछा, आंसू पर ओ किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो यह अपनी सारी पीड़ा आंसू के साथ बहा देगी और यह फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का सबसे बेहतरीन तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा, यह इसकी ताकत होगी। देवदूत यह सुनकर देवदूतों ने कहा, भगवान आप तो महान हैं, इस रचना को बहुत सोच समझकर बनाया है। तो भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर ही समझौता करेगी। तो देवदूतों ने कहा, भगवान आपकी रचना संपूर्ण है। तो भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी इसमें एक कमी है और वह ये है, अपना महत्व भूल जाएगी क्योंकि यह इतनी खास है। मित्रों, भगवान द्वारा बनाई गई इस रचना कथा को देखने के बाद आप भी जान गए होंगे कि आखिर एक स्त्री में इतने रूप क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे माँ हो या बहन, पत्नी हो या बेटी, उसका हर परिपूर्ण है। इसलिए आप भगवान की बनाई हुई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। तो मित्रों, यह वीडियो कैसी थी आप ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।